हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त नीरज माछली। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रहा हूं। अभी मैं हूं बद्दी में और मैं जा रहा हूं आज घर। तो क्यों जा रहा हूं घर, ये मैं आपको घर पे जाके बताऊंगा। तो मिलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मिलता हूँ मैं आपको घर। तो फ्रेंड्स, रूम से तो मैं निकल आया था। मैंने सोचा था कि बस वगैरह मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर तक ही बस मिली, आगे बस नहीं मिली। तो लेकिन एक भाई मिल गए, लक्की पठानिया जी, जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हैं सामने। इन्होंने खुद आकर बाइक रोक दी पास में और कहा कि आपको कहाँ जाना है, चलो। तो अभी मैं इनके साथ जा रहा हूँ मुबारकपुर तक। इनके साथ वीडियो बनाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो डाल दी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे इंसान हैं ये, काफ़ी दिलचस्प लगे मुझे। जैसे ये मुन्ना से थोड़ा पीछे पहुँचे थे तो हमारी बाइक में आवाज़ आने लगी। तो उसके लिए हम एक शॉप पर रुके, तो वहाँ पर हमें दूसरे भाई जी मिल गए जो कि डाडा से बजा रहे थे। तो वहीं से मैं उनके साथ आ गया। इसीलिए हिमाचल के लोगों में और बाहर के लोगों में काफ़ी फ़र्क होता है। हिमाचल के लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का, मेरी तरफ़ से और मेरी YouTube फैमिली की तरफ से। तो हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। और अब मिलता हूँ मैं आपसे घर जाके। ये है बच्चा पार्टी। हेलो हेलो, परी जोर से बोलो। हेलो, कैसे हो? सुनाई दिया आपको, कैसे हो? मैं हो चुका हूँ अभी फ्रेश और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने। तो भी मैं पहले जाऊँगा मंदिर। तो मैं और भाई जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पहले मैंने सोचा था कि मंदिर जाऊँगा। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मंदिर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मिलते हैं आपसे रास्ते में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मंदिर में। मंदिर में तो नहीं पहुंचे अभी, लेकिन पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रास्ते की बहुत बुरी हालत है, जैसे लग रहा है कोई यहाँ आता जाता नहीं है। फ्रेंड्स, अभी हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में मत्था टेक चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आज से करीब 4-5 साल पहले यहाँ पे हमारा घर हुआ करता था। तो अभी तो वो गिर चुका है। सामने घर हुआ करता था, और जो सामने आपको अमरूद का पेड़ दिख रहा है हरा हरा सा, ये आंगन में हुआ करता था। तो ये है हमारा आम का पेड़, इस पे कितने सारे आम लगे हैं। तो बहुत मीठा आम होता है ये। तो अभी हम चलते हैं बाबा जी के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमें मोर का पंख मिला यहाँ पे। तो अभी हमें कर लेता हूँ सफाई, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, अंधेरा होने वाला है। लिया है मंदिर में और अपनी हाजिरी लगवा दी है बाबा जी के दरबार में। तो अभी ये हमें आशीर्वाद के रूप में मिल चुका है। तो अभी हम चलते हैं घर। आज जश्न मनाए जान के तेरा सोनिए बर्थडे भी बुलाए जाएंगे तेरा सोनिए बर्थडे।
कल रात को मैं हो गया था लेट, वीडियो का एंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं सोचा सुबह कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मैं रात को। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।